टीएमसी के नेता मुकुल रॉय फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के सामने आते ही राजनीति में भूचाल आ गया। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि वो आज यानी मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल मंगलवार को मुकुल रॉय दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की इच्छा जताई, जिसके बाद से मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने के कयास तेज हो गए। गौरतलब है कि मुकुल के दिल्ली पहुंचने से पहले उनके बेटे ने यह दावा किया कि वो लापता हैं और उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं। ऐसे में किसी को भी अस्वस्थ व्यक्ति को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुकुल रॉय ने दिल्ली पहुंचते ही अपहरण की थ्योरी का खंडन कर दिया और कहा, मैं अपनी मर्जी से दिल्ली आया हूँ, बीजेपी ने यहाँ मेरे लिए सारी व्यवस्था की है, मैं अभी बीजेपी विधायक हूँ और पार्टी के साथ ही रहना चाहता हूँ। वहीं मुकुल रॉय की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज किया और कहा, पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ पीपल। हम लोग इंटरेस्टेड है बूथ को सशक्तिकरण, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बीजेपी बूथ में जो लोग कमल पर छाप नहीं दिया है अब तक, उसको कमल को लाने के लिए हमारी एमपी एमएलए मोर्चा स्टेट जो सब काम कर रहा है एक साथ। हम लोग का नारा बूथ चलो। बूथ में जो लोग कांग्रेस को सीपीएम को टीएमसी को वोट दिया है उसको हम लाने का काम कर रहा है, कोई नेता का लाने का जरूरत नहीं है। बंगाल बीजेपी नाउ वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट। हम लोग का ऊपर से कोई नेता का जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट अलाउइंग दिस टाइप ऑफ रिजेक्टेड पीपल। गौरतलब है कि सोमवार को ही मुकुल रॉय 69 साल के हुए, वो बीजेपी के टिकट पर कृष्णनगर नॉर्थ असेंबली से जीते। हालांकि विधायक बनते ही उन्होंने दोबारा टीएमसी ज्वाइन किया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा से डिस्क्वालीफाई करने की अपील की। फिलहाल ये मामला असेंबली स्पीकर के पास पेंडिंग है। ऐसे में मुकुल की दोबारा बीजेपी में एंट्री होती है या नहीं, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।